दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए दोस्तों, आज हम बनाते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाला और बहुत ही आसानी से बन जाने वाला मार्बल केक। केक बहुत ही आसान होता है बनाने में और इसमें आइसिंग की भी जरूरत नहीं होती। ये बहुत ही स्पंजी बनता है और देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। फ्रेंड्स, ये केक मैंने बिना एग, बिना कंडेंस्ड मिल्क, बिना ओवन और बिना कोको पाउडर के बनाया है। दोस्तों, रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मार्बल केक बनाने के लिए मैंने कोको पाउडर की जगह 2 डेरी मिल्क लिया है। ये डेरी मिल्क आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। ये 20 रुपीज़ में जो मिलता है वो मैंने यूज़ किया है। सबसे पहले हम डेरी मिल्क को मेल्ट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ एक सॉस पैन में गर्म पानी लिया है और डेरी मिल्क को हम एक बॉल में डालकर उस गर्म पानी में रख देंगे। थोड़ी देर के बाद ये देखिए, डेरी मिल्क हमारा मेल्ट हो गया है। इस तरह से मिला देंगे। डेरी मिल्क अच्छी तरह से मेल्ट होकर स्मूथ हो गया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। केक बनाने के लिए मैंने 8 इंच वाला एक केक टिन लिया है। इसे मैं थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लूंगी। अब हम एक पतीले को प्रीहीट करने के लिए रखेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी नमक और इसे हम मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं। इसे ढक देते हैं। आइए अब हम बनाते हैं बैटर। बैटर बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे 1/2 कप रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो इसमें बटर भी यूज कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 1/2 कप पिसी हुई चीनी और 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस। अब इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, चीनी, ऑयल और वनीला एसेंस अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। उसके लिए हम एक छन्नी लेंगे, उसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा। फ्रेंड्स, ये कप मैं स्टैंडर्ड कप यूज़ कर रही हूँ। ये 200 ml का कप है। ये आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। फ्रेंड्स, मैं बेकिंग सोडा नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को हम अच्छे से छान कर और इसका बैटर बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा मिल्क और इसका एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। बैटर को हमें एक ही डायरेक्शन में घुमाना है ताकि जो हमारा बैटर बने वो बहुत ही लाइट और फ्लफी बने। इससे केक भी हमारा बहुत स्पंजी बनेगा। ये देखिए, मैंने 1 कप दूध डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा दूध और हम ऐड करेंगे, करीब 1 टेबल स्पून। तो इस बैटर बनाने के लिए मैंने 1 कप और 1 टेबल स्पून मिल्क यूज़ किया है। ये देखिए, ये बैटर हमारा रेडी है। बैटर बिल्कुल स्मूथ बना है। अब हमने जो डेरी मिल्क मेल्ट करके रखा था उसमें करीब 5 चम्मच इस बैटर का हम लेंगे। और ये बैटर को हम डेरी मिल्क में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा बन गया चॉकलेट बैटर। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा व्हाइट बैटर है उसे हम केक टिन में डालेंगे। और अब हमने जो चॉकलेट बैटर रेडी किया है उसे भी केक टिन में व्हाइट बैटर के ऊपर डाल देंगे। देखिए, ये सारा चॉकलेट बैटर मैंने डाल दिया है। अब एक नाइफ की मदद से हम इस तरह से मार्बल वाला डिज़ाइन बनाएंगे केक के ऊपर में। चाकू को इस तरह से घुमाते हुए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं आप। चाकू को इस तरह से हमें घुमाते हुए ये मार्बल का डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए, कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन बन गया है। हम इस केक को बेक करेंगे। ये देखिए, हमारा पतीला जो हमने प्रीहीट करने के लिए रखा था वो भी प्रीहीट हो चुका है। इसमें हम रख देंगे एक बोल, इसके ऊपर हम रख देंगे अपना केक टिन और इस केक को हम करीब 30 मिनट तक बेक होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। फ्लेम हम स्लो से मीडियम रखेंगे। अगर आप इसे ओवन में बेक कर रहे हैं तो आप इसे बेक कर सकते हैं 30 से 35 मिनट तक।
180 डिग्री पर। ये देखिए करीब 30 मिनट के बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं केक को। ये देखिए केक बहुत ही सुंदर लग रहा है दिखने में। इसे नाइफ से चेक कर लेते हैं। ये देखिए नाइफ एकदम क्लीन है, मतलब हमारा केक पक चुका है। नाइफ क्लीन ना निकले तो हम केक को 5 मिनट और बेक करेंगे, उसके बाद फिर से चेक करेंगे। केक हमारा पक चुका है, अब हम केक को निकाल देते हैं। अब हम केक को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम केक को डीमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमारा मार्बल केक रेडी है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और बहुत ही स्पंजी बना है। ये देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया मार्बल केक बनकर रेडी हुआ है। देखने में जितना सुंदर है उतना ही स्पंजी और उतना ही खाने में टेस्टी बना है केक। दोस्तों आई होप मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं चॉकलेट सॉस से जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है और इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं मेरी ऐसी ही एक आसान इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।